दोस्तों आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने इस ब्रह्मांड की चाबी बताया था, और ब्रह्मांड की वो चाबी है 3, 6 और 9 नंबर। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि आप इन नंबर्स की भव्यता, इनकी अद्भुत शक्ति, इनके रहस्यों को समझ पाए तो समझो आपने इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। और ऐसा क्यों कहा निकोला टेस्ला ने, इसे समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपको भी निकोला टेस्ला की सफलता की ये चाबी लगानी आ जाए और आप इस ब्रह्मांड के किसी बड़े रहस्य को खोज पाएं या फिर इस चाबी से आप अपने सपने पूरे कर पाएं। दोस्तों मैंने जब निकोला टेस्ला और इन नंबर्स पर रिसर्च किया तो पता चला कि निकोला टेस्ला बहुत ही रिलीजियसली इन नंबर्स को फॉलो करते थे और इन नंबर्स को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें सन की भी कहा करते थे। कहते हैं निकोला टेस्ला अपने ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले वे अपनी प्लेट्स को 18 नैपकिन से साफ किया करते थे। वे अगर किसी होटल में रुकते थे तो उनके रूम का नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना जरूरी था, वरना वे उस होटल में रुकते ही नहीं थे। होटल या रेस्टोरेंट में वे टिप भी उतने डॉलर देते थे कि 3 से डिवाइड हो सके, जैसे 3, 6 या 9 डॉलर। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वे पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। है ना अमेजिंग। निकोला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेहद यकीन था और वे इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में अक्सर कई प्रयोग करते रहते थे, और शायद ब्रह्मांड की इसी चाबी से वे दुनिया के महान आविष्कारक भी बन पाए। और ये प्रयोग आप भी अपने जीवन में करके बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अपनी ओर आकर्षित कर पा सकते हैं, और उसके लिए आपको सीखनी होगी वो टेक्निक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 17 सेकंड सिद्धांत और इन नंबर्स को मिलाकर बनाई गई है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 3, 6 और 9 को दिव्य नंबर क्यों कहा गया और कैसे ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद अभेद, अटूट, अविनाशी और अद्भुत नंबर है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। 3 + 6 = 9। 360 का आधा 180, 1 + 8 = 9, 180 का हाफ 90 = 9, 9 का हाफ 45, 4 + 5 = 9, 45 का हाफ 22.5, 2 + 2 + 5 = 9, 22.5 का हाफ 11.25, 1 + 1 + 2 + 5 = 9, और ऐसा आप जब तक चाहें अनंत तक करते रहें, टोटल हर बार 9 ही आएगा। ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टोगॉन, नॉनोगॉन, डेकोगॉन, इनके एंगल्स का जोड़ जो भी आएगा वो हर बार 9 ही आएगा। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो इस छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन मेरी रिसर्च में मैंने पाया कि 3, 6 और 9 सच में अद्भुत नंबर हैं। तो चलिए अब जानते हैं अब्राहम हिक्स की 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, जिस टेक्निक में इस मैजिक नंबर्स की एनर्जी को जोड़कर उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर को कई गुना बढ़ाकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अपनी ओर आकर्षित कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 17 सेकंड सिद्धांत बताता है कि आप जिस चीज को भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आप उस एक विचार पर 17 सेकंड के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दो, और जब आप ऐसा 17 सेकंड के लिए पूरे फोकस के साथ करेंगे तो 17 सेकंड के बाद उस विचार में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो विचार आपके अन्य सभी विचारों से बड़ा होने लगता है और आपके अवचेतन मन की शक्ति उस विचार के साथ जुड़ने लगती है। और यदि आप 68 सेकंड तक उस विचार को महसूस करते हुए हर रोज इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका वो विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। तो ये है वो 17 सेकंड का सिद्धांत। अब आपको करना ये है कि 33 दिन तक सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी कोई एक इच्छा जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उसे पेपर पर लिखना है, और 17 सेकंड के लिए केवल उस इच्छा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसे महसूस करना है कि जैसे आप अपना वो सपना जी रहे हैं और आपके जीवन में आप वो पा चुके हैं। आपकी फीलिंग्स में गहराई होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए। महसूस कीजिए अपने सपने को, उस जॉब को, उस साथ को या फिर उस काम को जो आपका सपना है, और ऐसे ही 17 सेकंड के 3 राउंड आपको हर सुबह करने हैं और फिर उस विचार को छोड़ देना है। इस तरह आप 3 नंबर की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। फिर यही काम आपको दोपहर को भी करना है, लेकिन इस बार आपको ऐसा 6 बार करना है,
और ऐसा करते हुए इस बार आप अलग ऊर्जा को अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने इस विचार को सुबह ही एनर्जी देकर इसे एक्टिवेट किया था। हर बार उस विचार को गहराइयों से महसूस करना बहुत ही जरूरी है, और फिर लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले यही काम आपको 9 बार करना है, फिर उस सकारात्मक विचार के साथ ही सो जाना है। इस तरह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत में सुबह 3 की एनर्जी को शामिल करते हैं और दिन में 6 की एनर्जी को शामिल करते हैं और रात को सोने से ठीक पहले सीक्रेट कोड 9 की एनर्जी को शामिल करते हैं। इस तरह से आप अपने मैनिफेस्ट में दिव्य नंबर की ऊर्जा को शामिल कर अपने मैनिफेस्ट की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस तरह 33 दिन करेंगे तो आप 6 की एनर्जी को डालते हैं, और यदि 45 दिन तक करते हैं तो आप मैनिफेस्ट में 9 की एनर्जी को डालते हैं, और आप अपने सपनों को जल्दी अपने जीवन में आकर्षित कर अपने सपनों वाली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मत भूलिए, भगवान बुद्ध ने कहा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। आप अद्भुत हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदला है। आप भी बदल सकते हैं यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखते हैं। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखते हैं तो इसे ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने में हर दिन आपको लगेंगे केवल 5 मिनट, लेकिन यदि आपको सबूत चाहिए तो इंतजार करें। लेकिन मत भूलिए, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना यार। और कौन कौन ये ट्राई करने वाला है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और कुछ नया देखने कुछ नया सीखने के लिए हर रोज जीवीजी मोटिवेशन पर आते रहिए। धन्यवाद।